तो हम लोग अलमाटी 3.5 घंटे में पहुंच गए, जबकि हम पहुंच गए अलमाटी, न्यू दिल्ली से अलमाटी, और हम लोग 6 बजे लैंड किए थे ना। हाँ, 6 बजे लैंड किए। अभी सिम लिए, सिम बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। सिम का कितना प्राइस लगा अपने को? 400 रुपये सिम का रिचार्ज का, 800 रुपये टोटल। हाँ, 6 हज़ार टेंगे हुआ। एक टेंगे इक्वल टू 5, सॉरी 1 रुपीज इक्वल टू 5 टेंगे, तो 6 हज़ार टेंगे का तो हो गया 1200 रुपीज। 1200 रुपीज का अनलिमिटेड इंटरनेट, जिसमें 4G है। यहाँ तो 5G है भी नहीं। वैसे सिटी तो बहुत सुंदर है और एयरपोर्ट बहुत छोटा है। ऐसा इतना बड़ा एयरपोर्ट मेरे गांव का है, सच में गांव का नहीं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इससे बड़ा। हाँ, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इससे बड़ा है, तो एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है। मेरी लाइन बोल रहा है, तो पैसे लूंगी। अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ से अस्थाना निकलना है, अलमाटी से अस्थाना। मेरा फ्लाइट रात के 12 बजे है और मेरे साथ मानसी का भी है। और राना, तेरा फ्लाइट कितने बजे है? दिन दोपहर में है, तो हम लोग पूरे दिन घूमेंगे अलमाटी में। और राना ये फुल हो जाएगा। और राना घूमेगा कहाँ? अस्थाना अकेला। और हम और मानसी घूमेंगे अलमाटी। तो अलमाटी का टूर कराते हैं आपको कि अलमाटी कैसा है। सुनने में तो आया था कि अलमाटी बहुत ही सुंदर है, अब इसका सुंदरता हम लोग देखते हैं। तो आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। देखो आप, वो जो ब्रिज है, ब्रिज जैसा कुछ, वहाँ से शुरू हो रहा है एयरपोर्ट। और ये अलमाटी एयरपोर्ट है, और ये बस इतना बड़ा एयरपोर्ट। और वो है पहाड़। अभी हम लोग उधर पे घूमने जाएंगे, पहले सिटी सेंटर देखते हैं कहाँ पे है। और हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हम दोनों, मेरा नमूना, दो नमूने को साथ में लेकर घूम रहा हूँ। थोड़ा यूक्रेनियन वाइब है, अब यहाँ पे रह के ही पता चलेगा कि कैसा है। तो हम लोग का ऐसा मेंटेलिटी था कि कजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम वाइब होगा। मतलब मुस्लिम वाइब क्या, बुरखा पहनी होगी, और मुस्लिम वाइब जरा सा भी नहीं है। ये देखो बस स्टैंड है यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये बस स्टैंड है। और कहीं भी आपको मुस्लिम वाइब्स तो नहीं आएगा, बस रशियन वाइब्स आएगा यहाँ पे। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मुसलमान कंट्री में हो या कोई भी ऐसा कंट्री में हो, अब रशियन वाइब आएगा। राना अपना लगेज एयरपोर्ट पे भूल गया है, अब वो एयरपोर्ट पे राना और मानसी लगेज लाने गए हैं। देखते हैं अभी मिलता है या नहीं, ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, तो उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। राना का डंबल बैग मिल चुका है। चलो राना, लेट्स कंकर द सिटी। और इंडिया नाम रख देंगे उस सिटी का, उसका नाम रखेंगे क्या? बिहार। बिहार का एयरपोर्ट है, जितना छोटा दिख रहा है इसके साइड। ये देखो, ये मेन एंट्री गेट है, और ये यहाँ पे टैक्सी वाले मिलेंगे आपको, और उसके अंदर फिर डिपार्चर के लिए और अराइवल के लिए। बस छोटा सा एयरपोर्ट देखो। को जिब्रा क्रॉसिंग देख के जाना है। अरे हाँ, तो 6 वीडियो निकालना है। देखो कितना, ये तो सुंदर ही लग रहा है मेरे को, शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा। अब तो अभी मैं $70 चेंज करवाया, तो $70 चेंज करवाने पे INR में 300 में लगेज स्टोर करवाया, और कुछ 1200 का सिम लिया। और ये देखो 10,000 का नोट,
इसको डिवाइड बाय 5 कर दो तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो उतने का ये है 2000 रुपये का है, ये ऐसा करेंसी है। करेंसी यहाँ का वीक है, यहाँ का करेंसी वीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ का करेंसी इंडिया के मुकाबले कमज़ोर है और ये रहा अपना छोटा सा अलमाटी एयरपोर्ट। चलो इसका आसपास का टूर दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा है सिटी, एक तरह से खूबसूरत ही है। आपको रशियन यूक्रेन वाइब आएगा यहाँ पे। सोवियत टाइम का बिल्डिंग्स दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे रोड क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे जिब्रा क्रॉसिंग तो है नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है, तो हम लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये ऐसा रोड है यहाँ का। ये देखो, आपको पूरा रसिया यूक्रेन जो भी सोवियत संघ का पार्ट था सब में ऐसा ही बिल्डिंग दिखेगा आपको। ये USSR टाइम का बिल्डिंग्स है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को अलमाटी आके? फिलहाल तो ठंड बहुत ठंड है, यूक्रेन से 10 गुना ठंड है यहाँ पे, हाथ जम रहा है। ये एयरपोर्ट के नज़दीक में ही एक होटल है और ये बोल रही है कि एक रूम लूंगी। तो भाई तो रूम ले ले, तू पे करियो रूम का, हम लोग स्टे कर लेंगे। वाह, ये बोल के क्या रही है, तेरे से पैसे ले कौन रहा, एक एक रुपए गिनती है तू। तू बोलेगा तो ग्रुप से इसलिए बेदखल करता हूँ भाई कि तू हम लोग को लेट करवा देती है। अरे भाई ये तो मैना है, बिहार में मिलता है, नहीं लकी बर्ड होती है। अच्छा लकी बर्ड होती है, आ जा। मैना नहीं है, ये छोटा सा पार्क है। चलो इसमें हम लोग घूम के देखते हैं कैसा है, क्या है, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये यूक्रेन ही है, कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। लोग रशियन बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ फर्क दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये यूक्रेन ही है, लोग रशियन बोल रहे हैं। अच्छा मानसी, याद है अपन लोग जो दोरोसंका जाते थे तो ऐसा ही रास्ता आता था, है ना? तो TNMU वाले देखो सेम ऐसा ही लग रहा है। यूक्रेन का बहुत याद आ रहा है हम लोगों को। यूक्रेन का याद आ रहा है तुम लोगों को? बताना, आ जा इधर, थोड़ा सा देखते हैं। सेम वैसा है हम लोग के हॉस्टल के पीछे जैसा था। यूक्रेन से दूर आ गए लेकिन यूक्रेन को भूल नहीं पा रहे हैं। क्या यूक्रेन की यादों वाला व्लॉग बना रहे हैं? गाली मत दे, यूक्रेन लव है हमारा। ब्लैक नहीं, हसीन चैप्टर था। चुप रहे तू, वो देखो पहाड़, वैसे सुंदर है अलमाटी यार, जो भी बोलो। तो जो भी हैं इंडिया से आओ जल्दी जल्दी अलमाटी घूमने के लिए। सबको होस्ट राणा करेगा, मानसी खाना बना के सबको खिलाएगी, बर्तन हम धोएंगे, ठीक है ना? लेकिन सब आओ और सबको अपनापन मिलेगा यहाँ पे हमसे ना। हाँ मेरे से ही मिलेगा, और ना खाने का खर्चा ना कुछ खर्चा, बस घूमने का खर्चा। तुम लोग यहाँ रहो, जो भी है यहाँ मिलेगा तुमको। तो सीरियसली ही तो बोल रहा हूँ,
देखो ये हमारा खर्चा करना फिर अभी अभी पैसा नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी गाय जल्दी जल्दी YouTube को मोनिटाइज करो जिससे आपको स्पॉन्सर ट्रिप मिल सके। YouTube को मोनिटाइज वो करेंगे कि तू करेगा? हाँ करूंगा तो मैं ही, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। हाँ ये बोलना होता है ना। हाँ आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जिससे हमारा चैनल मोनिटाइज हो और आपको तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K सब्सक्राइबर पहुंचाए और जल्दी से हमारा मोनिटाइज हो जाएगा तो हम तो इफ मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया और कुछ पैसा आया तो पहले उस पैसे से इन दोनों को ट्रिप मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग सोचा जाएगा और धीरे धीरे आप लोग को भी ट्रिप मिलेगा अलमाटी का। मिलेगा घूमने का मौका, स्पॉन्सर ट्रिप टू अलमाटी एंड अस्थाना। तो इतना सुंदर शहर है और ये आस पास में रेस्टोरेंट है, देखते हैं हम लोग कैसा है। हम लोग रमजान सुपर मार्केट ही आए हुए हैं तो यहाँ पे देखते हैं प्राइसिंग क्या है, कितने का है भाई ये? 165 है, डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो उतने का है, 50 रुपए का। ये अब मिलना शुरू हुआ। ये क्या है? चिमचिम पानी देख। अच्छा एक